सुनी हुई बातों को ना माने, उस दिन इस देश का दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। उन्हें मंत्र द्रष्टा कहा गया। और जब मैंने वो किताब का पेज नंबर खोला, वो लाइन देखी, इस देश का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है, ड्रॉबैक वो ये रहा है कि इस देश में किसी जमाने में श्रुति परंपरा थी। ज्ञान का जो आधार था वो श्रुति परंपरा, जैसे वेद जो है उनका प्रसार श्रुति परंपरा के आधार पर हुआ। वेद लिखे तो गए नहीं थे, वेदों को जिन ऋषियों ने नीचे वो लाए उन्हें मंत्र द्रष्टा कहा गया। ऐसा दिखाई पड़ा क्योंकि वेद भी अपौरुषेय हैं, जैसे कुरान अपौरुषेय है, बाइबल अपौरुषेय है, ऐसे वेद भी अपौरुषेय हैं, भगवान द्वारा रचित, ईश्वर द्वारा रचित हैं। तो उनका जो परंपरा का, जो वैदिक परंपरा का प्रसार हुआ, मतलब जो उन्हें आगे बढ़ाया गया, वो श्रुति परंपरा से बढ़ाया गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबके पास था नहीं। और लेखन परंपरा काफी बाद में विकसित हुई, लिखने की पद्धति काफी बाद में विकसित हुई, 6th century BC लेखन लिखने की कला का विकास हुआ। हालांकि मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थी, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस अभी नहीं है और हम उनकी लिपि को अनुवादित भी नहीं कर पाए, मतलब हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। तो वो जो श्रुति परंपरा चलती रही हमारे देश में, सुनकर ज्ञान लेने की परंपरा, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सत्संग। आज भी इस देश में एक सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो सत्संग की, सुनने की। इससे हमें एक नुकसान भी हुआ, हालांकि प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन इससे हमें नुकसान ये हुआ कि हमने सुन तो लिया किसी से, हमने किसी से कोई बात सुन तो ली कि औरंगजेब ऐसा था, महमूद गजनी ऐसा था, और ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, लेकिन हमने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारे देश में जो एक चीज जो एक बड़े लेवल पे सुधार होनी चाहिए वो ये है कि आप किसी भी बात को सुने, किसी बात को, तो उस पर R&D जरूर करें, या तो सुनी हुई बातों को ना माने। क्योंकि जिस दिन ये काम करोगे, जिस दिन आप कोई चीज सुनोगे और उसे पता करने की कोशिश करोगे ऑथेंटिक सोर्सेस से, उस दिन इस देश का दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मध्यकाल का जो कल्चर है, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है गंगा जमुना तहजीब, मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा और एविडेंसेस दूंगा। बिना एविडेंस के एक लाइन नहीं बोलूंगा सर। किताब का नाम बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा, पैराग्राफ बताऊंगा, जिससे कि आप खुद उसको खोलकर देख लो। उससे बड़ा अच्छा लगता है, उससे चीज बड़ी कॉन्फिडेंस आती चीजों। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को एक बार सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब जयप्रकाश नारायण जी की डेथ हुई तो यह हुआ कि भाई लोकसभा जो है, संसद जो है उनको सम्मान देगी, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई कि नहीं हम उन्हें कोई सम्मान नहीं देंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क उठाया कि जब JP को आप सम्मान नहीं दे सकते, तो एडविना माउंटबेटन के मरने पर भारत की संसद ने क्यों सम्मान दिया। और मजेदार बात, उन्होंने कहा कि यह बात लिखी हुई है नटवर सिंह की किताब में, वन लाइफ इज नॉट एनफ, और सौभाग्य से वो किताब मेरे पास है। तो उन्होंने पेज नंबर बताया 140 के आसपास, उन्होंने पेज नंबर बताया कि उस पेज नंबर पर यह बात अंतिम लाइन में लिखी है। और जब मैंने वो किताब का पेज नंबर खोला और वो लाइन देखी, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार एकदम लिखी है, अ नटवर सिंह वाज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस,